Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about InstaPT 2020 exclusive साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मैगजीन है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये इनसाइट आईएएस का मैगजीन है यहाँ पे, और ये मई से 2019 से लेकर अब फरवरी 2020 तक है, और आपके आने वाले अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये इनसाइट पीटी एक्सक्लूसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी. टेबल्स ऑफ कंटेंट में यहाँ पे बहुत सारे दिया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी दिया है, उसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स है, साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद 50 टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी के. टेक्नोलॉजी न्यू डिस्कवरी एक बार पॉज करके आप ये पढ़ सकते हो, या फिर इसकी मैगजीन डाउनलोड करके आप पूरा रीड कर दो एक बार. गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट से बायो टेक्नोलॉजी है, इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन है, मिसलेनियस है, मिसलेनियस टॉपिक्स है कुछ यहाँ पे. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको. सो मतलब आज डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम यहाँ पे, और आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे अगर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा. मतलब कभी समटाइम्स यहाँ पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं, और समटाइम्स लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं बट उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है. और ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट लाइक शेयर, और आप बता सकते हो कि आपको कैसा, मतलब और कौन सी मैगज़ीन एक्सप्लेन करना है या फिर क्या पढ़ना है. सो ये अच्छा मैगज़ीन है इनका, ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. मतलब अच्छा दिया है इन्होंने, इसलिए मैं ये मैगज़ीन यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करूँगा. और ये एक भी टॉपिक, एक भी सेंटेंस यहाँ पे स्किप नहीं होगा, क्योंकि एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड. और ये टॉपिक 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो डिफेंस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स QRSM. ये DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था, इंडिजिनस डेवलप है, मतलब खुद हमारा स्वदेशी है, भारत ने बनाया था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स QRSM. और इसे उड़ीसा कोस्ट से मतलब ये किया था, लॉन्च किया था. और ये इस QRSM के बारे में यहाँ पे दिया, इट हैज़ बिन डेवलप टू रिप्लेस द आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम. आकाश मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे बनाया है. एंड 360 डिग्री कवरेज है इसका, मतलब चारों तरफ है. इट यूजेस द सॉलिड फ्यूल प्रोपोलेंट एंड हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 to 30 किलोमीटर विद द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग मल्टीपल टारगेट्स. 25 से 30 किलोमीटर है और मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है. इट इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग द लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ये मतलब ये कर सकता है, हिट कर सकता है. लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे ये हमारा अर्थ है, सो ये सतह है यहाँ पे लो फ्लाइंग. सो ये QRSM ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया है या फिर किसको रिप्लेस किया है इसने, रेंज क्या है ना. सो ये कहाँ से लॉन्च हुआ ये भी पूछ सकते हैं. सो DRDO ने लॉन्च किया था उड़ीसा कोस्ट से. MiG-27 ये December 27, 2019 को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हो रहा है MiG-27. और इसे कमीशन किया था इंडियन एयरफोर्स में 1985 में. इट वॉज ड्यू टू द जेट हीरो एक्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर. द एयरक्राफ्ट अर्न द निक नेम, इसका निक नेम था ये एयरफोर्स पायलट ने रखा था बहादुर करके, ये ध्यान में रखना. MiG-27 इट इज़ सिंगल इंजन सिंगल सीटर टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट है. सिंगल इंजन सिंगल सीटर टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, और इसे ये रिटायर्ड हो रहा है. और कारगिल वार आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है MiG-27. इसके बारे में पूछ सकते हैं समटाइम्स, ये किसने मैन्युफैक्चर किया था. ये सोवियत यूनियन से हमने इनिशियली डेवलप हुआ था, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन जो अभी रशिया है, और लेटर इसे इंडिजिनसली हमारे भारत में बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंडिया. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया ने यहाँ पे इसे इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया था. MiG-27 प्राइमरीली ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है. ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हुज मेन रोल इज़ टू कंडक्ट द प्रेसिजन एयर स्ट्राइक्स इन बैटल वाइल टैकलिंग द एडवर्सरी एयर डिफेंस है. उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक पे आते हैं, पृथ्वी टू मिसाइल. ये सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है विद अ स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर इसका रेंज है. ये डेवलप किया था DRDO ने अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP. जो APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पे डायरेक्टर थे, उन्होंने ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था. उसी के अंडर ये पृथ्वी आकाश अग्नि ऐसे बहुत सारे सीरीज़ उन्होंने लॉन्च किया था DRDO ने. सो ये
डीआरडीओ ने डेवलप किया है और कैपेबल ऑफ कैरिंग 5,000 to 1,000 kg ऑफ वार हेड्स, बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल भी ये वार हेड्स मतलब ये कैरी कर सकता है। द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल इज पावर्ड बाय द लिक्विड प्रोपल्जन ट्विन इंजिन। ये किस पे वर्क करता है? लिक्विड प्रोपल्जन ट्विन इंजिन से चलता है। एंड इट यूजेस एन एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम विद द मैन्यूरिंग ऑर्बिट टू हिट इट्स टारगेट। इट हैज़ इंड्यूस इन टू आर्मर ऑफ द डिफेंस फोर्स इन 2003। उसके बाद में पिनाका गाइडेड वेपन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक है, इंडिजिनसली डेवलप किया है पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम। ये टेस्ट किया गया अभी। पिनाका रॉकेट सिस्टम वॉज डेवलप बाय द DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। रॉकेट सिस्टम वॉज नेम आफ्टर पिनाका द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का जो त्रिशूल है ना उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है पिनाका। इट वॉज इनिशियली 30 to 40 kilometer रेंज था, लेटर इसका रेंज इंक्रीज हुआ है 70 to 80 kilometers विद द पिनाका मार्क टू। पिनाका मार्क टू ये ध्यान में रखना। उसके बाद में ब्रह्मोस मिसाइल, ये तो बहुत न्यूज़ में था। ऑलमोस्ट 3 times स्पीड है इसका, साउंड एट मैक 2.8। एंड मिसाइल जॉइंटली डेवलप किया है रशिया ने और रशिया की जो रिवर है मॉस्कोवा और हमारी ब्रह्मपुत्र, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ब्रह्मोस मिसाइल। इट इज़ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इसका रेंज है 290 किलोमीटर। यहाँ पे ये वारशिप अराउंड द वर्ल्ड मतलब ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, इंटरसेप्टेड बाय द सर्फेस टू एयर मिसाइल डिप्लॉयड ऑन लीडिंग वारशिप अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इसे ये करना, ढूंढ पाना वो ये मिसाइल को बहुत ही मुश्किल है। सो ब्रह्मोस इज़ द फास्ट क्रूज मिसाइल ऑफ इट्स क्लास इन द वर्ल्ड। मतलब ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ऐसा बोला है। द रेंज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर एज अ सर्टन टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन वेयर लेफ्ट आफ्टर द इंडिया बिकम फुल मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमे MTCR इन 2016। सो MTCR के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें एलिजिबल होने के लिए क्या क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या मतलब ये करना पड़ता है हमें, कौन सी इसका एंट्री करने के लिए या फिर ये जो रेंज एक्सटेंड करने के लिए। सो ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज एक्सटेंड किया है यहाँ पे 400 किलोमीटर, क्योंकि हमारा जो बयान था मतलब रेस्ट्रिक्शन था उठा दिया है। इंडिया बिकेम द फुल मेंबर, MTCR का मेंबर बन गया 2016 में ये दिया है। इट इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म एंड इट कैन बी लॉन्च ऑन फ्रॉम लैंड एयर सी एंड मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल विद द पिन पॉइंट एक्यूरेसी दैट वर्क्स इन बोथ डे एंड नाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। द मिसाइल इज ऑपरेशनल विद द इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों ही मतलब हमारी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स दोनों ही इसमें यूज ऑपरेशनल है, मतलब इसे यूज़ करते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम, ये AIP न्यूज़ में था। ये सिस्टम है टू एनहांस द एंड्योरेंस ऑफ कन्वेंशनल सबमराइन्स बीइंग डेवलप बाय द DRDO। ये भी DRDO ने डेवलप किया है। रीच्ड माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप। ऑल स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ द नेवी आर प्लान टू इक्विप विद द AIP मॉडल इन ड्यू कोर्स। अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम क्या है? इट इज़ एन एनी टेक्नोलॉजी विच अलाउ अ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट द नीड टू एक्सेस एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन बाय सर्फेसिंग ऑन और यूजिंग अ स्नॉर्केल। इट कैन ऑगमेंट और रिप्लेस द डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम ऑफ द नॉन न्यूक्लियर वेसल। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंबंशन ऑफ स्टोर ऑक्सीजन एंड इथेनॉल टू ऑगमेंट बैटरी पावर्ड प्रोपल्जन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? AIP का AIP इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव स्टेल्थ बिकॉज इट इनेबल्स सबमरीन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सर्विसेज बैटरी चार्जिंग प्रोपल्जन वाइल कंप्लीटली सबमर्ज। एंड AIP सिस्टम ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावरिंग द सबमरीन टू ऑपरेट एंड ऑल्सो जनरेट ऑक्सीजन लाइटिंग एंड अम्यूनिटीज फॉर क्र्यू। द नॉन न्यूक्लियर सबमराइन रनिंग ऑन बैटरी पावर और AIP कैन बी वर्चुअली साइलेंट। उसके बाद में है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। यहाँ पे ये टॉपिक है, 7 topic है हमारा। और ये इंडिया थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पे यूज़ करता है और थर्ड जनरेशन मिसाइल है। डेवलप DRDO ने डेवलप किया है इसे। इनकॉर्पोरेटेड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रा इमेजिंग सीकर अलॉन्ग विद एडवांस एवियोनिक्स।
और लिस्ट ऑफ द इंडियाज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब कुछ और भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, DRDO एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अमोगा मिसाइल, नाग मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, MPA TGM। सो ये कुछ लिस्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे 8 टॉपिक में हमारे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM। ये सक्सेसफुली इंडियन आर्मी में कंडक्ट एक समर ट्रायल किया था नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। और नाग मिसाइल इज़ द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज़ अ टॉप अटैक कैपेबिलिटीज दैट कैन इफेक्टिवली एंगेज एंड डिस्ट्रॉय ऑल नोन एनिमी टैंक ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। इट यूजेस इमेज इंफ्रा सीकर इन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड मतलब ये लॉन्च होने से पहले ही लॉक हो जाता है। सो इट इट इज लॉन्च फ्रॉम द नाग मिसाइल कैरियर नमिका विच इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 6 कॉम्बैक्ट मिसाइल। रेंज क्या है इसका, मिनिमम 5 मीटर है एंड मैक्सिमम 4 किलोमीटर है। डेवलप बाय DRDO, ये ध्यान में रखना। रुस्तम 2 ड्रोन, अब ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल, ये ध्यान में रखना अनमैन एरियल व्हीकल है। डेवलप बाय DRDO ने डेवलप किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ड्रोन इज टू कैरी आउट सर्वेलेंस फॉर द आर्म फोर्सेस विद एन एंड्योरेंस ऑफ 24 आवर्स। सो एक ड्रोन है और ये वॉच मतलब ध्यान ऊपर से रखता है, सर्वेलेंस करता है। द ड्रोन वॉज डेवलप फॉर द यूज ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, प्राइमरीली फॉर्स इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस ISR ऑपरेशन। द मीडियम एटीट्यूड प्रोटोटाइप कैन फ्लाई एट ओवर 22,000 फीट, 22,000 फीट से भी ध्यान रख सकता है। इज अ लॉन्ग एंड्योरेंस मेल UAE दैट हैज़ एन अप्रोक्सीमेट फ्लाइट टाइम ऑफ 20 आवर्स। इट कैन फ्लाई एट अराउंड 280 किलोमीटर पर आवर एंड कैरी अ वेराइटी ऑफ पेलोड्स लाइक मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक MREO, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक LREO, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस LINT। अस्त्र मिसाइल के बारे में 10th टॉपिक है हमारा। इंडिजिनसली डेवलप किया है बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल। इट इज़ द फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल डेवलप बाई इंडिया। फर्स्ट मिसाइल है ये एयर टू एयर मिसाइल इंडिया ने डेवलप किया है। इट इज़ ऑल वेदर स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डेवलप बाय द DRDO एंड कैन एंगेज एंड डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट एट सुपर सोनिक स्पीड 1.2 Mach to 1.4 Mach इन द हेड ऑन द अप टू 80 किलोमीटर एंड टेल चेज अप टू 20 किलोमीटर मोड। द 3.8 मीटर टॉल अस्त्र इज अ रडार होमिंग मिसाइल, द स्मॉलेस्ट ऑफ द DRDO डेवलप मिसाइल एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड। इट कैन रीच अप टू 110 किलोमीटर वेन फायर्ड फ्रॉम द एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर 44 किलोमीटर वेन द लॉन्च फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ द 8 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर वेन फायर्ड फ्रॉम द सी लेवल। इट फीचर्स मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस विद द टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग, ये इसके फीचर हैं। अस्त्र हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द इंडियन एयरफोर्स सुकयू 30 MKI एंड विल बी इंटीग्रेटेड विद द डसॉल्ट मिराज 2000, हाल तेजस, मिक्योन MIG-29 इन द फ्यूचर। अभी फ़िलहाल में ये सुकयू के साथ में इंटीग्रेटेड है ये अस्त्र मिसाइल, उसके बाद में ये डसॉल्ट, मिराज, हाल तेजस, मिक्योई, फ्यूचर में इसे यूज़ करेंगे। टॉपिक है हमारा 11th स्पाइक मिसाइल के बारे में। इंडियन आर्मी प्लेस ऑर्डर फॉर द इसराइल एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल। सो ये इसराइल का है एंड मल्टी प्लेटफॉर्म कटिंग एज प्रिसाइज मल्टी मिशन एंड मल्टी रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल है। इसका कैपेबिलिटीज है फायर ऑब्जर्व अपडेट फायर एंड फॉरगेट एज वेल एज अलोविंग अटैक ऑफ द हिडन टारगेट को अटैक करता है। इसराइली एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड एंड दीज मिसाइल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द टारगेट एनीथिंग एट द रेंज ऑफ द 4 किलोमीटर। दिस कैन बी डिप्लॉयड इन बोथ प्लेन्स एंड माउंटेन्स, मतलब प्लेन जगह में भी और माउंटेन जो जहाँ पे पहाड़ी इलाके वहाँ पे भी ये डिप्लॉय कर सकते हैं। वरह आपने विष्णु का अवतार सुना ही होगा, वरह एक अवतार था जो पूरी पृथ्वी अपने इसमें उठाता है।
उसी सो मुझे ऐसा ध्यान में आया वराह करके, उससे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, बट ये वराह इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, कमीशन किया है रिसेंटली, और इट विल एनहांस द सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड री एनफोर्स देयर रोल एज अ सेंटिनल्स ऑफ आवर सीज. इट इज़ द फोर्थ इन सीरीज ऑफ 798 meter ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द कोस्ट गार्ड ICG. इट हैज़ बीन डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनसली बाय द LNT लार्सन एंड टर्बो. ऐसे डिजाइन एंड बिल्ट किया है लार्सन एंड टर्बो ने एट कट्टुपल्ली शिप बिल्डिंग यार्ड इन नॉर्थ चेन्नई. वरह ये ध्यान में रखना, LNT ने इंडिजिनसली मतलब स्वदेश में यहाँ पे बनाया है, डिज़ाइन किया है. और टॉपिक 13 पे आते हैं हम यहाँ पे, सबमराइन खांडेरी. ये माजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड डिलीवर्स अ सेकंड स्कॉर्पियन सबमराइन खांडेरी टू इंडियन नेवी को इन्होंने ये डिलीवर किया है. माजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में है. ये मैन्युफैक्चरिंग 6 स्कॉर्पियन सबमराइन अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द नेवल ग्रुप्स ऑफ फ्रांस अंडर 2005 कॉन्ट्रैक्ट विद द 3.75 बिलियन. ये कुछ ना काम का नहीं है, बट आपको खांडेरी के बारे में पता होना चाहिए. नेम आफ्टर द वाइड स्नॉटेड सॉफिश. सॉफिश है ना, मतलब जैसे ऐसा शॉफिश होता है, ऐसे 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 रहता है. सो ए डेडली सी प्रेडेटर ऑफ द ग्रेट इंडियन ओशन द फर्स्ट सबमराइन खांडेरी वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी 6 December 1968 को इसको फर्स्ट कमीशन किया था एंड डी कमीशन दिए 1989 में आफ्टर मोर देन 20 ईयर्स ऑफ द ह्यूमन सर्विस टू द नेशन. ये 20 साल के बाद हमें मिल रहा है. नेम ऑफ द अपकमिंग सबमराइन्स इज कारांज विला वजीर वाक्शीर. ये ध्यान में रखना, ये अपकमिंग सबमराइन्स है. उसके बाद में 14 टॉपिक पे आते हैं हम. हाँ, 14 टॉपिक है हमारा इंडियाज एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल. सो ये मिशन शक्ति प्रधानमंत्री ने यहाँ पे स्पीच दिया था. इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, DRDO का है एंड इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का. ये दोनों का मिला के मिशन शक्ति ने जॉइंट प्रोग्राम किया था एज अ पार्ट ऑफ द मिशन एंटी सैटेलाइट वेपन. एंटी सैटेलाइट वेपन ये मतलब ये आकाश में अंतरिक्ष में सैटेलाइट होता है उसे बंद सैटेलाइट हो या चालू सैटेलाइट हो लाइव सैटेलाइट हो उसे मारता है, मारकर गिराता है. वॉज लॉन्च एंड टारगेटेड इन द इंडियन सैटेलाइट विच हैज़ बिन डी कमीशन. द टारगेट ऑफ द टेस्ट वॉज सैटेलाइट प्रेजेंट इन द लो अर्थ ऑर्बिट में. लो अर्थ ऑर्बिट में इसे टारगेट को ये किया था, टेस्ट किया था. द टेस्ट पार्क कंसर्न रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्पेस डेब्रीज. मतलब ये ऐसा चार ही देश हैं, मतलब ओनली फोर्थ कंट्री है, US रशिया और चाइना के बाद में इंडिया है फोर्थ कंट्री. बट इससे क्या होता है, स्पेस डेब्रीज जो स्पेस का कचरा होता है ना, मारने के बाद में वो पूरा कचरा गिर जाता है, वो मतलब कंसर्न्स हैं. मतलब ऐसे मतलब शिकायत किया था नासा ने तुरंत हमें ट्विटर पे ये किया था. सो यही यहाँ पे दिया है, एबिलिटी टू इंटरसेप्ट इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. और स्पेस डेब्रिस के बारे में यहाँ पे दिया है 75 टन्स ऑफ रिडंडेंट हार्डवेयर. सो ये उतना काम का नहीं है. उसके बाद में टेक्नोलॉजी दैट कैन टैकल द प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर के बारे में दिया है. नासा स्पेस डेब्रिस सेंसर, रिमूव डेब्रिस, डी ऑर्बिट मिशन, ये कुछ मिशन चलाए हैं मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं फ्यूचर में होने वाली है. टेक्नोलॉजी टैकल द प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. सॉरी, डेब्रिस के बारे में जो कचरा है स्पेस का उसके बारे में ये कुछ टेक्नोलॉजीज इन्होंने यूज़ की है. बाबा कवच के बारे में, ये बाबा कवच बहुत न्यूज़ में था. इंडियाज़ फर्स्ट लाइटेस्ट इंडिजीनियस बिल्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है बाबा कवच. ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बोर्ड गेट्स नोड ऑफ मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये डेवलप किया है और भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड मैदानी. दिस स्टेट ऑफ द आर्ट जैकेट कैन विथस्टैंड 7.62 mm हार्ड स्टील कोर से बना है एंड बुलेट फायर्ड फ्रॉम AK-47 से मारने पर भी ये होता है, प्रोटेक्शन कर सकता है हमें बाबा कवच. और ये 1 kg से भी छोटा है, मतलब कम है, 0.5 kg लेसर दैन द प्रिस्क्राइब वेट ऑफ द मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स अलॉन्ग विद द 360 degree प्रोटेक्शन है एंड हैज़ अचीव द प्रोटेक्शन लेवल. ये कुछ दिया है, आप पढ़ लेना. बाबा कवच ओनली वेट 9.2 kg. मतलब ये जो इसका वेट यहाँ पे दिया है और ये इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है यहाँ पे उसका वेट लेसर देन 0.5 kg.
सो ये मेजर ब्रेक थ्रू है इंडियन आर्म फोर्स के लिए। सो वही यहाँ पे दिया है आकाश मिसाइल के बारे में दिया है। ये DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया आकाश MK1S मिसाइल। यहाँ पे की फैक्ट्स देखते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, स्ट्राइक रेंज 25 किलोमीटर का है, कैपेबिलिटी टू कैरी वार हेड्स ऑफ 60 किलोग्राम तक ये उठा सकता है, और इसका एल्टीट्यूड है मतलब ऊंचाई 18 किलोमीटर है, एंड कैन बी फायर्ड फ्रॉम बोथ ट्रैक्ट एंड व्हील प्लेटफॉर्म। द मिसाइल इज़ गाइडेड बाई द फेज अवे फायर कंट्रोल रडार कॉल्ड राजेंद्र, विच इज़ टर्म एज द बैटरी लेवल रडार BLR, विद द ट्रैकिंग रेंज ऑफ अबाउट 60 किलोमीटर। द आकाश MK1S इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन एनर्जी फाइटर्स जेट एंड ड्रोन वेरी इफेक्टिवली एक्यूरेटली। द आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल वॉज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एनिमी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 18 to 30 किलोमीटर। अग्नि 2 मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 17 टॉपिक है हमारा, रिसेंटली कंडक्ट किया है, सक्सेसफुल फर्स्ट नाइट ट्रायल किया था। अग्नि 2 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये, एंड स्ट्राइक इसका रेंज है 2000 किलोमीटर। अग्नि 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM, हैज़ बीन इंडक्टेड इन टू द आर्म फोर्सेस को दिया गया है। टू स्टेज मिसाइल है ये, इक्विप विद द एडवांस हाई एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम, वॉज गाइडेड बाय द नोवल स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड प्रोपेल्ड बाय द सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम यूज़ किया है यहाँ पे। अग्नि 2 वॉज डेवलप बाय द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी अलॉन्ग विद द DRDO लेबोरेटरी एंड इंटीग्रेटेड बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद। इन्होंने ये डेवलप किया है, ये बहुत सारी ये है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। अग्नि 2 इज़ द पार्ट ऑफ द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल, ये अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल का पार्ट है। इंक्लूड 700 किलोमीटर रेंज अग्नि 1 एंड 3000 किलोमीटर अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। सो इससे पहले बहुत सारे अग्नि के ये मिसाइल्स ले जो है ध्यान में रखना और उनका रेंज। उसके बाद में हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे आने वाले वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो ये पूरी मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए। सो एक बार मतलब एक से दो बार ये वीडियो देखना आप, सो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। समटाइम्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कम से कम 7-8 मार्क के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले UPSC प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये फैक्ट ये कीवर्ड्स आप कोट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच।